Welcome in our channel Market News. Please like and subscribe and press the bell icon for latest videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए जो इसका रिजल्ट आया, मैं आपको सीधा सीधा वहां ले चलता हूं। देख सकते हैं 11 अगस्त का ये अपडेट है। यहां पे कंपनी ने जो आउटकम है बोर्ड मीटिंग का, उसमें बताया है रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, रिजल्ट के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर किया गया है, तो वीडियो में बने रहे और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक एज ए इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए, वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें टोटल इनकम, तो टोटल इनकम दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे डाटा यहाँ पे इसमें रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि पिछले बार ये 36,466 लाख था, तो पिछले क्वार्टर में ये 37,236 लाख तक पहुँचा, इस बार वापस 36,271, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट है। यहाँ पे जो टोटल इनकम है वहाँ पे, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसके कारण से आप देखें तो जो लॉसेस है वो पिछले साल के कंपेयर में इस साल ज़्यादा है, लेकिन अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो लॉसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 85,348 लाख का जो लॉस था पिछले क्वार्टर में, वहाँ से इस बार सिर्फ और सिर्फ 27,959 है। हालांकि अगर पिछले साल से आप कंपेयर करें तो पिछले साल में 21,712 का लॉस था, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन अगर देखा जाए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो उसके कारण से जो EPS है वो इम्पैक्ट हुआ है। जो EPS पिछले साल -0.17 का था, पिछले क्वार्टर में -0.66 का हो गया था, वो इस बार वापस से 0.22 पे माइनस पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़िया उछाल देखने को मिला है, यानी बढ़िया रिकवरी था। एज ए लॉस में उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अमाउंट जो है यहाँ पर जो टोटल डेबिट हुआ है, एज यहाँ पर देखें कि जो कोर्ट में बहुत सारा केस चल रहा है इनका, उसके बारे में भी कंपनी ने यहाँ पे शेयर किया है कि जो बॉन्ड जो कन्वर्टेड हुआ है जुलाई में, उसको भी यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में आप देखें डिटेल्स में, तो यहाँ पे अप्रैल में जो हुआ बॉन्ड वन, जो कि नंबर ऑफ बॉन्ड थे B1, B2 और B3, तो वहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ है उसके बारे में कंपनी ने बताया कि 21,43,25,535 जो थे B1 में, B2 में जो 38,24,35,234 था, और B3 में 7,98,40,382 शेयर्स जो थे वो एज अगस्त 11 में भी ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, इसके बारे में भी कंपनी ने बताया। दूसरा जो केस चल रहा था तो वहाँ पे एक बताया कि डिमांड ऑफ नोटिस जो मेजर टावर जो कंपनी है वहाँ पे राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम सर्टेन कस्टमर, द कंपनी इज अनेबल टू क्वांटिफाई इक्वल प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट पेएबल, द प्रोविजन विल बी कंसीडर्ड एज एंड व्हेन मैटर इज रिसॉल्व, यानी यहाँ पर अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। जैसे आएगा वहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन आएगा तो मैं बताऊँगा कि क्या वहाँ पर आया है। और दोस्तों यहाँ पर IDBI ट्रस्टशिप जो है उसके बारे में कंपनी ने बताया कि वहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ कंपनी के लेकर, विदाउट अ कंसेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन द कंपनी डेबिटेड फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द TRA अकाउंट, तो वहाँ पे जो 2021 में 35,600 लाख कटा था, 2022 में 28,000 लाख वहाँ पे डेबिट हुआ है, और ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड इस बार भी देखे 10,500 लाख, और पोस्ट जून 30 भी देखे तो 5,000 लाख कटा वहाँ पे, यानी टोटल जो डेबिटेड अमाउंट 79,100 लाख का। तो यहाँ पे देख सके कि यहाँ पे जो प्लेज है वो भी यहाँ पे हटाया गया, तो वहाँ पे जो प्लेज रहा है वो रियलाइज 2010 लाख का, जो कि प्रीवियस ईयर 1391 लाख का था। GTL लिमिटेड का जो प्लेज गया ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक रिजल्ट में आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते जो रिमेनिंग सिक्योर्ड लेंडर्स है,
वहाँ पे भी आप देखें तो क्लेमिंग 64,638 लाख हैज़ फाइल प्रोसीडिंग बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड विच इज़ पेंडिंग फॉर एडमिशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 64,638 लाख का एक पेंडिंग चल रहा है जो कि NCLT में है। दूसरा अगर छठा नंबर पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे जो शटडाउन और एग्जिट का जो 14 टेलीकॉम कस्टमर्स रिजल्टेड इनटू अबैंडनमेंट ऑफ मोर देन 14,000 टावर्स ऑफ द कंपनी आई देम मेकिंग सच टावर्स अनऑक्युपाइड एंड लॉस ऑफ रिवेन्यू टुवार्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग फी एंड द रेंटल सच टावर्स इज एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे कंपनी का सीधा सीधा मतलब है कि जो यहाँ पे जो 14 कंपनियाँ जो अचानक शटडाउन और एग्जिट करती है ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से, उसके कारण से इनके जो 28,000 में से 14,000 जो इसके टावर्स है वो अनऑक्युपाइड रह गए, जिसके कारण से इनका रेंटल फी और ये सब के कारण जो लॉसेज लगातार झेल रही है कंपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम है वो 15,31,630 लाख का है जो फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इन व्यू ऑफ एबव, अगर आप देखें तो वहाँ पे जो रेंटल लैंडलॉर्ड्स है, टैक्सेज है, अदर ड्यूज है, तो अनऑक्युपाइड टावर में इनका जो खर्चा था वो ज़्यादा था। लेकिन अभी जैसे ही 5G लॉन्च होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑक्शन चल रहा है, तो वहाँ से ये जो 14,000 टावर्स है ये ऑक्युपाइड होता हुआ नज़र अगर आता है तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसमें दोस्तों सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बियॉन्ड जो मैनेजमेंट कंट्रोल था वहाँ पे जो एयरसेल ग्रुप, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली, बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ वोडाफोन आइडिया, टेलीनॉर एंड एयरटेल, तो जो कॉम्बिनेशन और यहाँ से एग्जिस्टेंस हो, वहाँ से एक अलग से डिफ़ॉल्ट भी है, तो ये सारी चीज़ें पेंडिंग इसमें कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको इसमें एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेना है। देख सकते हैं जो एक्सेप्शनल आइटम्स रहा है ईयर 31 मार्च 2022 में, उसको एज ए प्रोविजन इम्प्लीमेंट किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी में। अगर इसके अलावा भी आप देखें तो मिस्टर मिलिंद नायक, होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी के रिटायर हुए हैं 2021 में, तो वाज रीअपॉइंटेड एज ऑन जनवरी 2021 एंड रिक्विसाइट अप्रूवल टुवर्ड्स द मैनेजरियल रिम्यूनरेशन स्टिल अवेटेड फ्रॉम द लेंडर्स। तो यहाँ पे उनको सिलेक्शन के लिए भी एक लेंडर का अप्रूवल चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में जो मैं बात कर रहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो DIA का होल्डिंग है अभी भी 46% है, वो अभी भी बरकरार है। पब्लिक का होल्डिंग 96% है, प्रमोटर का होल्डिंग 3% है, लेकिन वो भी 100% प्लेज है। तो दोस्तों यहाँ पे कंसर्न सिर्फ प्लेजिंग की नहीं है, यहाँ पे कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 14,000 टावर्स है जो अनऑक्युपाइड चल रहा है उसको लेकर है। और जैसे ही 5G लॉन्च होता है तो वो अलग, और अडानी जो है, अडानी ग्रुप वो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वहाँ भी उनको टावर का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अगर वो आती है तो एक GTL इंफ्रा टेकिंग ओवर कैंडिडेट भी हो सकता है। हालांकि जो अडानी का अपना जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसमें हमेशा ज़्यादातर वो अवेलेबल कंपनी है उनको ही बाई करने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ से GTL इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ सकता है सामने। और यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अब तक के पिछले 10 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे 437 करोड़ पे, और नेट चेंज भी देखिए 218 करोड़ पे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी 419 करोड़। तो यहाँ पे बढ़िया बिजनेस चलता हुआ नज़र आ रहा है और वापस से अब अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी लगातार लॉस ही पोस्ट की है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में देखें इसके कारण से करंट लायबिलिटी देखें तो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे 7642 करोड़ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका डिलीवरी देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी लगातार उठाई जा रही है और ये अच्छी खबर है। और ऊपर की तरफ अच्छा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, एक बार 5G लॉन्च की खबर आती है या फिर वहाँ से बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाई करके अभी चल सकते हैं, यहाँ से भी अच्छी बाइंग लेवल है। और यहाँ पर ऊपर के टारगेट जो पहला 1.45 का सेट कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर 1.55 का, और तीसरा टारगेट 1.70 का। ये तीनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में ये आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूँ,
मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूँ। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।